और आप देख रहे हैं ममता इन्फॉर्मेशन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक्चुअली में मैं आप जो मेरा टाइटल है मैं उसके बारे में बात करने जा रही हूँ। तो जैसे कि यूट्यूब, अगर आप नए नए यूट्यूब क्रिएट करना चाहते हैं, नया नया चैनल बनाना चाहते हैं, आपको ये सब की नॉलेज नहीं है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हम करें क्या नहीं, तो ये सारी बातें मैं एक एक करके सारी बातें आपको बताऊँगी और सारी करके सारी वीडियो बना के लेके आऊँगी, जो मतलब यूट्यूब कैसे क्रिएट करते हैं, क्या है यूट्यूब, सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। एक्चुअली में इसके लिए मैं मेरे को इतनी नॉलेज इसलिए मतलब हो गई है या है, आप जो भी कह लीजिए, तो इतना मेरा चैनल तो ग्रो नहीं है, लेकिन जो जो मैं फेस कर रही हूँ, जो जो मैं मतलब बनाते जा रही हूँ, जो जो मेरे मतलब आती जा रही, जो जो कमियाँ मैं सुधारते जा रही हूँ एक एक करके, तो वो सारी चीज़ें जो मैं खुद, मैं दूसरे किसी का नाम मतलब नहीं लूँगी, जो मैं खुद क्रिए मतलब कर रही हूँ, जो मैं खुद में मतलब मैं फेस कर रही हूँ जो चीज़ें, वही चीज़ें मैं बस आपके मतलब कहते हैं ना, मतलब एकदम क्लियर रखना चाहती हूँ कि आपको कोई भी मतलब इतना झमेला ना लगे कि यार ये इतना बड़ा काम है, कैसे है क्या नहीं। तो वही सी बेसिक बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊँगी और छोटी से छोटी चीज़ें भी बताऊँगी और धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। अगर आप एक नया चैनल क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप एक मतलब यूट्यूब पर आना चाहते हैं, तो आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि यूट्यूब पर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल और टैग ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है अपने वीडियो को ग्रो करने में, अपने चैनल को ग्रो करने में। तो ये सब के बारे में आपको नॉलेज पहले से होनी चाहिए कि टाइटल क्या है। जैसे कि टाइटल बात करते हैं टाइटल पे, तो टाइटल है जैसे कि हम कुछ भी डालते हैं तो सर्च बार में, जैसे कि हम डाल रहे हाउ टू मेक थंबनेल, तो यही एक टाइटल है। तो ये टाइटल है जो कि आप जब वीडियो बनाएंगे और डालेंगे तो ये आपको डालना पड़ता है, मतलब ऐसा टाइटल डालिए कि जो सर्च बार में आए, अच्छा सा अच्छा टाइटल बना के और अच्छा से अच्छा टाइटल डालिए जो सर्च बार में, मतलब आप कोई भी आपका डाले हाउ टू मेक थंबनेल तो आपका पहले है ऐसा, मतलब अट्रैक्टिव टाइटल बनाइए और डालिए, तो इससे आपका चैनल जल्दी ग्रो करता है। तो अच्छा टाइटल रहेगा तो आदमी मतलब पढ़ के ज़रूर सब लोग आते हैं। और फिर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है थंबनेल, जी हाँ थंबनेल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग का थंबनेल ज़्यादा ही अच्छा होना चाहिए, जिससे कि थंबनेल देख के ही सब लोग वीडियो पे क्लिक करते हैं, जैसा थंबनेल रहता है वैसे ही सब लोग मतलब ज़्यादा अच्छा दिखता है तो उस पर जल्दी से लोग क्लिक कर देते हैं कि देखो इतना अच्छा है। जैसे कि किसी में लिखा है कि आप किसी थंबनेल में लिखा है कि घर बैठे आप बिना कुछ किए लाखों कमाएं, तो हम लोग बहुत इंटरेस्ट हो जाएंगे यार ऐसा कैसा क्या थी में, चलो एक बार क्लिक तो करते हैं देखें कि घर बैठे और बिना कुछ किए कैसे लाखों कमा सकते हैं, तो वो थंबनेल होता है। तो इससे हम लोग थोड़ा मतलब मन में जिज्ञासा हो जाती है कि यार देखते हैं क्या है, किस टॉपिक पे है क्या है, थोड़ा देख ही लेते हैं, तो इस पे मतलब हम लोग मजबूर हो जाते हैं उस पे क्लिक करने का। तो ऐसा थंबनेल होना चाहिए, चाहे के भी उस पे क्लिक कर दे, ऐसा थंबनेल बनाइए। अगर आप यूट्यूब मतलब नया बनाए हैं और वीडियो बनाना चाहते हैं तो थंबनेल पे ज़्यादा काम करिए, थंबनेल ऐसा बनाइए। और एक और ये बात है, ऐसा भी ना करिए कि थंबनेल पे लिखे लाखों कमाए और ये जब वीडियो खोले तो देखे उसमें कुछ भी नहीं है, तो वो सब्सक्राइबर नहीं बनते हैं, सब्सक्राइब करके चले जाते हैं और हेट कमेंट भी करके चले जाते हैं। तो ऐसा भी मत करिए कि आप मतलब थंबनेल ऐसा बना दीजिए और अंदर कुछ भी मत बताइए, तो ऐसा मत, जो आप बता रहे हैं उसी पे थंबनेल बनाइए और इतना अच्छा मतलब मजबूर कर दीजिए सबको कि आपका वीडियो पर आए और उसको क्लिक करें, ऐसा थंबनेल बनाइए। मेरा थंबनेल उतना अच्छा नहीं रहता है, मैं मतलब इतना वो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं सबका अपना अपना दिमाग होता है, शायद आप लोग उस मेरे से सबसे बेटर बना सकें, तो अच्छा बनाइए थंबनेल। थंबनेल हो गया, फिर टाइटल हो गया, फिर डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में अपना मतलब लिखना होता है कि ये जो आपने वीडियो बनाया है वो किस चीज़ पर बनाया है, क्या मतलब क्या है, ये सारी बातें हम डिस्क्रिप्शन में एक तरह से लिख देते हैं कि हाँ इस चीज़ पे वीडियो बना है, इसके वीडियो है, इसके अंदर अंदर ये इस चीज़ें बताई गई है और अच्छे से बताई गई है, बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताया है, तो आप जाके वीडियो देखिए। ये सब डिस्क्रिप्शन में लिख दिया जाता है और जो आपका मेन टाइटल होता है वो भी डिस्क्रिप्शन पर लिख दीजिए, जिससे भी वीडियो कोई भी सर्च करता है तो आपका वीडियो मतलब पहले आए, तो वो टाइटल भी आप जाके उसमें लिख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन जितना बड़ा बना सकते हैं, 5000 वर्ड का रहता है, तो आप जितना अच्छा चाहे इतना बड़ा चाहे बना के उस पर डाल सकते हैं।
और फिर बात करते हैं टैग की। टैग बहुत इंपॉर्टेंट है। टैग का मतलब ये होता है, जैसे कि आपने चैनल बनाया हाउ टू मेक थंबनेल, तो टैग कितने लोग डालते हैं, ये एचडी में थंबनेल बनाए, थंबनेल कैसे बनाए, हाउ टू मेक थंबनेल, थंबनेल बनाने का तरीका, जैसे हम लोग जो भी सर्च करते हैं जैसे वही होता है टैग। तो टैग बहुत सारा मतलब लिखना चाहिए, कम से कम 500 वर्ड का होता है, तो आपको 500 वर्ड पूरा कर देना चाहिए टैग में। जैसे एक ये लिख दिया कि हाउ टू मेक थंबनेल, तो फिर लिख दिया थंबनेल कैसे बनाएं, फिर वही लिख दिया हाउ टू मेक थंबनेल एचडी, फिर एचडी में थंबनेल बनाएं, थंबनेल ट्यूटोरियल और हाउ टू मेक थंबनेल 2020, तो थंबनेल बनाए हिंदी लैंग्वेज में, मतलब ऐसे ऐसे कई सारे टाइटल अपने को डाल देना चाहिए। तो इसे टैग डाल देना चाहिए, इससे क्या होगा कोई कुछ भी सर्च करता है तो आपका पहले सर्च बार में आपका पहले आ जाएगा। तो ये काम आपको जरूर करना चाहिए, टैग पे बहुत काम करना चाहिए। टैग बहुत 500 वर्ड का रहता है, आप तो भरपूर फायदा उठाइए, भर भर के टैग लिखिए। तो टैग हो गया, टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, थंबनेल हो गया। तो यही सब बातें बतानी थी आपको, मतलब यूट्यूब अगर आप खोलना चाहते हैं, अगर नया चैनल बनाना चाहते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको धीरे धीरे करके देती रहूँगी। आप सब इकट्ठा करिए और फिर आइए यूट्यूब बनाइए। तो ये हो गया, बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए थी। तो मैंने सोचा कि लाओ मैं जो जो मैं फेस कर रही हूँ, जो जो मेरे साथ हो रहा है, तो मैं आके आके आपको वो सारी चीज़ें बताऊँ। तो इस ये सबसे क्या होता है, ये सब लगाने से आपका चैनल ज़्यादा ग्रो कर जाता है, सर्च बार में ज़्यादा आता है, और यूट्यूब आपके चैनल को मतलब रिकमेंडेड वीडियो में डालते हैं। अगर आपने अच्छा चीज़ नॉलेज दिया, उसके अंदर अच्छी चीज़ें बताई हैं, मतलब प्रैक्टिकली बताई है, या प्रैक्टिकली जो भी समझाया है वो प्रैक्टिकली समझाया है, सबको ऑडियंस को समझ में आ रही है, ऑडियंस को अच्छी लग रही है आपकी बातें, आपकी चीज़ें, तो ज़रूर मतलब आपका चैनल ग्रो करता है, करेगा ही। तो आप ये सारी बात जान के आप मतलब बनाइए, ये सारी चीज़ें आप पहले पे काम कर लीजिए, फिर मैं कहूँगी कि ये सारी चीज़ें जान लीजिए, कर लीजिए, पूरा अच्छे से काम हो जाएगी, फिर आप अपना एक अच्छा सा चैनल बना लीजिए। तो अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं, तो आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी जाननी, आपको जाननी चाहिए थी, और मैंने बताया जो मेरे साथ मैंने फेस किया है, बस वही बताया है, नॉलेजेबल नहीं इतना है कहूँगी मैं, बस बेसिक है, बेसिक चीज़ें बताई हैं। तो मैं होगा, अगर आप कहते हैं तो मैं इसको अच्छे से प्रैक्टिकली करके भी बता सकती हूँ, मोबाइल मतलब ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके भी मैं बता दूंगी, लेकिन आप इस पे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाँ आपको ये सारी चीज़ें चाहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आज सबके पास ये नॉलेज, जो नए यूट्यूबर हैं, जो नया चैनल खोलना चाहते हैं, उनके पास ये सारी बातें पहुँच सके, जान सके वो भी। अगर मेरी आपको आपको मेरी ये नॉलेज अच्छी लगती है, तो मैं ऐसी बहुत सारी नॉलेज चीज़ें, बहुत सारी यूट्यूब के अंदर की बातें जो होती है वो मैं जो बताऊँगी आके, और जो 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 मैं करती हूँ, कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ, कैसे यूट्यूब बनाती हूँ, कैसे चैनल क्रिएट किया है मैंने, कैसे मैं टैग डिस्क्रिप्शन थंबनेल, कैसे मैं सारी चीज़ें करती हूँ, मैं सारे सारे पे बात करेंगे, सारे धीरे धीरे बताएंगे, और बात भी करेंगे, प्रैक्टिकली भी करके बताएंगे। लेकिन आपको इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, मेरे वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, और लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए फ्रेंडों में, कमेंट करके बताइए, और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और बेल आइकन दबाइए। तो ऐसी बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियो आपको अगर चाहिए, तो मैं सारी बताऊंगी और बनाऊंगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करके जाइएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच।